हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, मैं हो चुका हूँ ना धो के रेडी और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मेले के अंदर। हालांकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ, 2 बजने आए हैं। मैं पहले थोड़ा काम से विजयनगर चला गया था तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो अभी आएगा क्योंकि इतनी देर तो धूप पड़ रही थी और अब होने वाला है ठंडा मौसम क्योंकि चारों तरफ घने बादल छा चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज है तेजादशमी और 11 दोनों है ना एक साथ हो चुकी है, तो आज 2 मेले आयोजित होने जा रहे हैं, मतलब आयोजित हो रहे हैं, होने नहीं हो रहे हैं ना। तो उसमें सबसे बड़ा जो मेला है वो है तेजाजी महाराज का, है ना। तो आज तेजादशमी है तो तेजाजी महाराज का मेला तो आयोजित होना ही है और बहुत ही बड़ा मेला ये आयोजित होता है। हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है और एक हमारे पास में है गणेश गिरी बाबा का मेला जो कि 11 के दिन भरा जाता है, उजाली 11, है ना। तो आज हमारा जो पड़ोसी मेला है उसमें हम जाने वाले हैं क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मेला है और इसमें हमारे जो गांव के सभी लोग हैं वो और हर्ष और उल्लास के साथ इस मेले में भाग लेते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर। मतलब कि घर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी, मतलब स्त्री या फिर महिला जो भी है, कोई भी शेष नहीं रहता, यहाँ पे सभी इस मेले में भाग लेने जाते हैं। तो आई होप मज़ा आएगा। तो फिर मैं भी जा रहा हूँ, रेडी हो चुका हूँ ना धो के और फिलहाल मिलते हैं मेले के अंदर और आपको दिखाएंगे डॉलर चक्री में झूलेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हालांकि मैं डॉलर चक्री में झूमता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आते हैं चक्कर, तो सारी बातें याद नहीं करेंगे, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे, तो बने रहेगा। दोस्त लोग कॉल कर रहे हैं, जल्दी से मेले में आ जा, हम यहाँ तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वैसा देरी किस चीज़ की, चलते हैं जल्दी से। दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गणेशगिरी बाबा की जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा पशुओं में देखने को मिलती है, इस वजह से आप गणेशगिरी बाबा को लोक देवता के रूप में भी आप उनको जान सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्यता पशुओं में देखने को मिलती है। बाकी लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और बाकी अगर पशु बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बाबा का नाम लेके अगर उनके नाम की बबूत लगाते हैं तो गाय भैंस के, तो वो ठीक हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे आसपास में और काफ़ी दूर दूर के लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं और जब भी गाय या भैंस ब्याती है तो उसकी जो पष्ट जावनी होती है, उससे जावनी देने से पहले वो डेयरी में ना तो दूध देते हैं क्योंकि वो ब्याती है, तो पहली जावनी बाबा के यहाँ छोड़ी जाती है, उसके बाद ही वो काम में लेते हैं सारे दूध को। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पैदल आ रहे हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे पैदल यात्री काफ़ी संख्या में आ रहे हैं मेले में। और ये देखिए भाई साहब, हम भी पहुँच चुके हैं मेले के अंदर और अब हम आपको घुमाएँगे मेले के अंदर। और डॉलर चक्री, वो मिठाइयों की दुकानें, वो मतलब सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे मेले के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखें और नए होते यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा और ऊपर से हमें थोड़ा मोटिवेट करोगे। ये देखिए भाई साहब, मेले के अंदर भीड़ आप देख सकते हैं, हालांकि ये तो नॉर्मल है, जैसे जैसे हम बाबा की तरफ बढ़ेंगे काफ़ी संख्या में आपको, मतलब लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो काफ़ी संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब यहाँ से हो जाता है मेला स्टार्ट और ये देखिए भीड़ भाई साहब, अभी तो देखिए थोड़ी भीड़ और बढ़ेगी, है ना, शाम का टाइम है और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। हालांकि हम थोड़ा टाइमिंग हमारी अच्छी है, एकदम परफेक्ट टाइम पे हम मेले के अंदर आए ताकि, मतलब ताकि क्या, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है ना, मौसम एकदम ठंडा है, मेले में घूमने का जो मज़ा है, आनंद है, वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। और हमारी यहाँ पे एक डाई नदी है, वो भी मैं बता देता हूँ, ये देखिए डाई नदी, डाई नदी का व्यू देख सकते हैं, ये हमारे गाँव से होकर गुजर रही है और एकदम भरी हुई है क्योंकि इस बार डाई नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आया था, डाई नदी की चादर भी चल चुकी थी। तो अभी तो फिलहाल नहीं चल रही है लेकिन काफ़ी बड़ी ये डाई नदी है ना। यहाँ से देखिए वापस आपको मेले का कुछ खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से भीड़ काफ़ी संख्या में है भाई साहब। और ये देखिए, पहले हम थोड़ा जूस वूस पी लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं कलेजे को और फिर घूमते हैं क्योंकि घूमना तो फिर है ही। ये है गणेशगिरी बाबा का दरवाज़ा जो कि अभी अभी नया दरवाज़ा बनाया गया है, श्री 108 श्री गणेशगिरी बाबा जावला, ठीक है। तो बाबा के दर्शन हम आपको करवाएंगे। ये देखिए डॉलर चक्री सामने आपको दिख रही होगी भाई साहब, घूमना है उसमें या बैठना है जो भी है, गणेशगिरी बाबा धाम जावला, जैसा कि आप दरवाजे को देख पा रहे हैं, यहाँ से व्यू कितना अच्छा आता है क्योंकि ये दरवाज़ा बन गया तो व्यू बहुत ही शानदार और प्यारा हो चुका है। देखिए ऊपर भी देखिए पशुओं की आपको तस्वीरें दिख जाएगी, स्टैचू बने हुए दिख जाएंगे क्योंकि बाबा की मान्यता सबसे ज़्यादा पशुओं में देखने को मिली। ये बाबा का मंदिर है जो कि हम दूर से दिखा रहे हैं, हालांकि पास में लेके जाके आपको बाबा के फ़ोटो वगैरह नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी उनके गांव वालों का व्लॉग, मतलब बाबा के व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था तो काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत करके उस वीडियो को डिलीट करवा दिया था, तो मेरे को डिलीट करना पड़ा था।
कि या फोटो खींचना वीडियो बनाना मना है, सख्त। हालांकि काफ़ी लोग खींच भी लेते हैं, लेकिन ठीक है मना है तो फिर अपन क्यों खींचते हैं ना। तो बाबा की, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे और इन्जॉय करते रहिए सभी लोग। और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ना। ये देखिए डॉलर चक्री, थोड़ा ये जब चलेगा डॉलर चक्री वो भी अपन दिखाएंगे आपको सीन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है डॉलर चक्री है ना, नाव, इसको बोलते हैं नाव क्योंकि इसकी आकृति नाव जैसी है, इसलिए इसको नाव वाला डॉलर बोलते हैं। और इसमें बैठने से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है भाई साहब, इसलिए मैं कभी इसमें बैठता नहीं हूँ। एक बार गलती से बैठ गया था तो भाई साहब बहुत ज़्यादा चक्कर आए थे और हालत ख़राब हो, डर लगता, डर घबराहट होती है ना। तो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा मेले का ये वीडियो देख के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, है ना यार। इतना करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा आपके छोटे भाई को और मज़ा आएगा और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने का। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मज़ा आएगा और एक अच्छा कंटेंट लाने का, है ना। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।